नारा हमारे साथ, भगत सिंह का दिया हुआ नारा, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। सूरज की लाली को कैद कोई कर सका, कैद कोई कर सका, कैद कोई कर सका। खेतों की हरियाली कैद कोई कर सका, कैद कोई कर सका, कैद कोई कर सका। पर हम गुलाम हैं, हम गुलाम हैं, हाँ हम गुलाम हैं, हम गुलाम हैं, हम गुलाम हैं। ये औरत चलती कैसे है? इसके पैरों में तो जंजीरें हैं, इसके हाथों में तो हथकड़ियां हैं। औरत ने कसूर किया होगा? नहीं, चोरी की होगी। कैसे किया होगा? नहीं, चोरी मैंने नहीं की, चोरी उन्होंने की है जिन्होंने मेरे हाथों में हथकड़ियां लगाई, कत्ल उन्होंने किया है जिन्होंने मुझे जंजीरों में जकड़ा। पर तुम हो कौन? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा पता क्या है? तुम रहती कहाँ हो? मुझे हिंदुस्तान कहते हैं। हिंदुस्तान? जिसके उत्तर में हिमालय पर्वत है, जिसके दक्षिण में हिंद महासागर है, जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में जमुना बहती है। हाँ, मैं वही बदनसीब देश हूँ। पर तुम बदनसीब क्यों हो? तुम्हारे तो हरे भरे खेत हैं, तुम्हारी धरती तो सोना उबलती है। पर ये सोना मेरा नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं गुलाम हूँ, मैं दास हूँ। तुम्हें गुलाम किसने बनाया? तुम्हें दास किसने बनाया? सात समुंदर पार से आए गोरों ने। तुम हंस रहे हो, मजाक करते हो? बात ही हंसी की है, बात ही मजाक की है। मुट्ठी भर गोरे उन्होंने गुलाम बना दिया। यकीन नहीं आता, विश्वास नहीं होता। इन हथकड़ियों को देखकर भी यकीन नहीं आता, इन बेड़ियों को देखकर भी विश्वास नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हारी धरती पर गोरे कितने हैं? 1.5 लाख। तुम्हारी धरती पर अपनी जनता कितनी है? 30 करोड़। 30 करोड़ लोग क्या चूहे हैं? 30 करोड़ लोग क्या भेड़े हैं? 30 करोड़ लोग क्या मक्खियाँ हैं? 30 करोड़ लोग क्या मच्छर हैं? नहीं, 30 करोड़ लोग हैं जिनकी 60 करोड़ बाजुएं हैं। झूठ, गलत, बकवास, बिल्कुल झूठ। नहीं, दुनिया जानती है कि मेरे 30 करोड़ लोग हैं, मगर दुनिया ये भी जानती है कि मैं जंजीरों में जकड़ी हुई हूँ, मुझे हथकड़ियां लगी हुई हैं। फिर तो ये शर्म की बात है, चिल्लू में पानी में डूब मरने की बात है। 200 हिंदुस्तानी, 1 गोरा, 200 पत्थर उठाए, 1 को भगाए, 200 लाठियां उठाए, 1 को गिरा दे, 200 बाजू उठाए, 1 को मार दे। पर 200 लोग लोग नहीं है, वो भेड़े हैं, वो चूहे हैं, वो मक्खियां हैं, वो मच्छर हैं। नहीं, मेरे सारे लोग मक्खियां नहीं है, मच्छर नहीं है, भेड़ नहीं है, चूहे नहीं है। उनमें बड़े बड़े बहादुर हैं। एक बहादुर की बात सुनाती हूँ, उसका नाम था भगत सिंह। सन 1926 जब मेरे सपूतों ने मेरी आजादी की लड़ाई को चरम सीमा पर पहुंचा दिया, तो गोरी सरकार ने मेरी आंखों में धूल झोंकने के लिए साइमन कमीशन भेजा। जहां जहां भी साइमन कमीशन गया, वही वही से आवाजें आई, साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक। वो छट जाए, नहीं तो लाठी चलाने का हुक्म दिया जाएगा। लाठियां चली और मेरा एक सपूत लाला लाजपत राय बुरी तरह जख्मी हो गया। कानून हटा। नारे लगाते थे, जुलूस निकालते थे, कर दी ना सारे शहर की सफाई। ओ भले आदमी, कभी अपने घर की भी सफाई करके देखी है? क्या मतलब?
करता है, उन्होंने तेरे घर का क्या हाल कर दिया? क्या हाल कर दिया है? सब कुछ ठीक ठाक है? सब ठीक ठाक है, बिल्कुल ठीक ठाक है। लेकिन घर में एक बूढ़ी माँ है, बीमार रहती है। तो अपनी बूढ़ी माँ का इलाज करा दे। इलाज करा दे? पैसे क्या तेरा बाप देगा? और सब कुछ ठीक ठाक है। हाँ, और सब ठीक ठाक है, लेकिन घरवाली कह रही थी कि उसके कपड़े फट गए हैं। इन औरतों के भी कपड़े फटे ही रहते हैं। अरे तो अपनी घरवाली को नए कपड़े बनवा दे। क्यों, पैसे का तेरा बाप देगा? कपड़े बनवा दे। और सब तो ठीक ठाक है। हाँ, और सब ठीक ठाक है, लेकिन घरवाली कह रही थी कि पिछले कुछ दिनों से बच्चों ने मिठाई नहीं खाई। तो अपने बच्चों को मिठाई खिला दे। कहां से खिला दूं, पैसे का तेरा बाप देगा? ओ भले आदमी, तूने कभी सोचा है तेरे लाखों भाइयों के घर बीमार बूढ़ी माँ है, इलाज के लिए पैसा क्यों नहीं? तेरी घरवाली ने कभी नए कपड़े पहनकर नहीं देखे, उसके लिए नए कपड़े क्यों नहीं? तेरे बच्चों ने कभी मिठाई क्यों नहीं खाई, उनके लिए मिठाई कैसे नहीं होगी, ये कभी सोचा है? मैं क्यों सोचूं, मैं ठहरा सरकारी आदमी। देखिए, मेरी टोपी सरकारी, मेरी शर्ट सरकारी, मेरी पतलून सरकारी, और ये सिटी, ये भी सरकारी। लगता है तेरा दिमाग भी सरकार का। अरे सरकार कहे ना तो मैं तो उसका झूठा भी खा लूं। हाँ, सरकार कहे तो तू थूक कर भी चाट ले। तेरी तो बातें ही समझ में नहीं आती है, पता नहीं क्या बोलती है। जा भले आदमी जा, तू गोरी सरकार के लिए सीटियां बजा। जब ये गोरी सरकार के लिए सीटियां बजा रहा था तो भगत सिंह और उसके साथियों ने अंग्रेजों के टोडियों और दलालों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। जहां जहां भी ये टोडी दलाल जाते वहीं वहीं से आवाजें आती, टोडी बच्चा, टोडी नहीं सुनाता। नहीं, उसी ने सुनाई थी।
अच्छा तो ये आग भगत सिंह की लगाई हुई है। मुझे पता था कि वो गांव में आया हुआ है। अगर मुझे पता होता कि मेरे घर में आग लगाएगा तो मैं उसकी टांगे तोड़ देता। जो तू ऐसा करता तो लड़के तुझे जमीन में गाड़ देते। जमीन में गाड़ देते? लूट पड़ी है। लूट किसी की? जो इंकलाबी होते हैं वो दुश्मन को माफ कर सकते हैं, तेरे जैसे गद्दारों को नहीं। एक भगत सिंह ने करतार सिंह सराबे की बात सुनाई। क्या कसम खाई? वो तो मैं बाद में बताऊंगा। पहले एक आना से मेरे बात बोलने खत्म हो गया है। नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। डोजी बच्चा देखा अपने लड़की की बारी आई तो कैसे आग लग गई। अरे आइए हम भी कसम खाते हैं, जब तक देश आजाद नहीं हो जाता हम शादी नहीं कराएंगे, चाहे वायसराय की लड़की का ही रिश्ता क्यों ना आ जाए। जब भगत सिंह और उसके साथियों ने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लिया, गोरे कप्तान सैंडर्स को गोली मार दी गई, चारों तरफ भगदड़ मच गई। संतरी जी, अरे संतरी जी, किसको ढूंढ रहे हो? अरे उसी नौजवान को ढूंढ रहा हूँ। कौन से नौजवान को? अरे जो गोरे साहब को गोली मारकर भागा है। साहब मर गया ना? साहब मर गया ना? अरे कमबख्त ने ऐसा निशाना साधा कि साहब झट से चित हो गया। झुक झुक जिए तेरा बेटा। कौन झुक झुक जिए? वही जिसने गोरे को गोली मारी। ए जवान संभाल के बात कर, नहीं तो सीख चौके अंदर बंद कर दूंगा। तो अभी कौन सा सीख चौके बाहर? गुलाम वेश जिसकी धरती भी सीख चौके में, जिसका आकाश भी सीख चौके में। तेरी तो बात ही समझ में नहीं आती, पता नहीं क्या बकती है। जा भले आदमी जा, तू गोरी सरकार के लिए सीटियां बजा। तो ये बातें तेरी समझ में आ जाती तो आज मैं गुलाम क्यों हूं? धन्यवाद माँ। धन्यवाद किस बात का? मुझे अपनी चादर छुपाने का माँ। तू मुझे पराई समझता है? तूने मेरे हाथों में हथकड़ियां नहीं देखी? देखी है माँ, इनसे तो बहुत दर्द होता होगा। कभी होता पर अब तो आदत सी बन गई। दिल में कभी कभी एक पीस उठती है कि ये बेड़ियां कब टूटेंगी, मैं कब आजाद होंगी। तू ही वो नौजवान है क्या जिसने गोरे को गोली मारी? नहीं माँ, ये काम तो भगत सिंह और उनके साथियों का था। मेरा काम तो सिर्फ इतना था कि पुलिस को गुमराह करना था, लेकिन आज हम गर्व से कह सकते हैं कि आज हमने लाला लाजपत राय की मौत का बदला ले लिया है। चुप चुप जियो मेरे बेटो, जो आज तुम इस काबिल हो गए हो कि इस धरती पे गिरे खून का बदला ले सकते हो, तो मुझे पूरा यकीन है कि मेरी गुलामी की बेड़ियां टूटेंगी, जरूर टूटेंगी। अच्छा माँ, संघर्ष का अगला पड़ाव आया जब भगत सिंह और उसके साथियों ने दिल्ली असेंबली में बम फेंका, चारों तरफ हंगामा हो गया। एक तरफ थे गांधी जी और उनके चेले, दूसरी तरफ थे भगत सिंह और उनके साथी। गांधी ने कहा शांति शांति शांति, भगत सिंह और उनके साथियों ने कहा सरकार इस तरह नहीं मानती, नहीं मानती। गांधी ने फिर कहा शांति शांति शांति, भगत सिंह और उनके साथियों ने कहा क्रांति क्रांति क्रांति। गांधी ने कहा सफेद रंग न्यारा है, भगत सिंह और उनके साथियों ने कहा हमें लाल रंग प्यारा है। गांधी ने कहा सफेद रंग युक्ति का, भगत सिंह और उनके साथियों ने कहा लाल रंग मुक्ति का, लाल रंग मुक्ति का, लाल रंग मुक्ति का। और गोरी सरकार ने भगत सिंह और उसके साथियों को फांसी की सजा सुना दी। लॉर्ड इरविन ने गांधी जी को बातचीत करने के लिए शिमला बुलाया। जनता ने गांधी से कहा कि वो दखलअंदाजी करें और भगत सिंह की फांसी की सजा रद्द कर दें, लेकिन गांधी ने जिद की। उसने कहा नहीं, पहले भगत सिंह फांसी की कोठरी में स्वीकारे कि उसने बम फेंक कर गलती की। भगत सिंह को जब ये समाचार फांसी की कोठरी में मिला तो उसने वहीं से कहवा दिया, गांधी जी इनकलाबी माफी मांग कर फांसी के तख्ते से वापिस नहीं आते। और 23 मार्च 1931 के दिन मेरे 300
सपूतों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी लगा दी गई। जलते भी गए, कहते भी गए आजादी के परवाने, जीना तो उसी का जीना है, जो मरना वतन पे जाने। हमको तेरी कसम, तेरी आहों में जान तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी आहों में जान तक लुटा जाएंगे। भूल क्या चीज है तेरे कदमों में हम फेंके अपने सरों की चढ़ा। Yeah.
सारे लोग इन जियारे नौजवानों के साथ हैं, तो मैं भी ये गोरी सरकार की नौकरी नहीं करूंगा। झुंझू जियो मेरे बेटो, अगर तुम भी गोरी सरकार की नौकरी नहीं करोगे तो मुझे पूरा यकीन है कि मेरी गुलामी की बेड़ियां टूटेंगी, जरूर टूटेंगी। जुलूस काफी आगे निकल गया है, मुझे उनके साथ जाना है, मुझे उनके साथ जाना है। शामिल हो उस आवाज में, आवाज मिलाओ। सहते सहते मारेंगे